दोस्तों, भाइयों, बहनों और मेरे नौजवान साथियों, मैं आपका पालक मंत्री असलम शेख आपसे गुजारिश करता हूँ, इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई पूरी दुनिया लड़ रही है उसमें आप हमें सहयोग करिए। मुंबई शहर और महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद आप सभी लोगों के सहयोग की वजह से कोरोना के ऊपर हमने अभी तक कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसका अब दुरुपयोग करने लगे हैं। न्यूज़ इस तरीके की आने लगी है कि जिनको क्वारंटाइन होना था, जिनको अपने आप को अपने कमरे में बंद रखना था, अब वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, पब्लिक्स में जा रहे हैं और खुद की जान और दूसरे की जान को भी खतरे में लाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के वासी हैं, हमारे ही अपने भाई हैं करके उनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया था कि आप जाके अपने घर में रहिए या होटल में रखिए। होटल में भी जो है सब्सिडाइज रेट पहली बार किसी गवर्नमेंट ने किया होगा ताकि वो अफोर्ड कर सके और अच्छे से रह सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग राशन की दुकान पे, डी मार्ट पे, बिग बाज़ार पे, हर जगहों पे लाइन लगा के स्टॉक कर रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है और सरकार किसी भी खाने पीने का कोई भी सामान किसी भी जगह पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई शहर में कहीं कम नहीं होने देगी। तो मेहरबानी करके आप पैनिक मत होइए और इस तरीके से अपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें स्टॉक करने का काम ना करें। तीसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, ये कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक वायरस है जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन अभी तक इसको सही तरीके से कंट्रोल या जीत नहीं पाई है। मैं तमाम हमारे मज़हब के सभी मानने वालों से अपील करूंगा कि वो इबादत हो सके तो अपने घर से ही करें, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सके उतना अवॉइड करिए, हो सके उतना घर से ही अपने घर वालों को लेके, अपने रिश्तेदारों को लेके घर से ही प्रार्थना करिए, प्रे करिए। जो भी इबादत करना है अपने घर से करिए, हो सके उतना लोगों के बीच में ना जाए। गवर्नमेंट ने मॉल्स बंद कर दिए, थिएटर्स बंद कर दिए, एक एक ट्रांसपोर्टेशन बंद कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि गर्दी ना हो पाए और लोग इस कोरोना के वायरस से बचे रहें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करेंगे और सरकार को ताकत देंगे और उन तमाम व्यापारी जो हमारे इस मुंबई शहर के और महाराष्ट्र के, हमें पूरा पता है कि आपके धंधों का नुकसान हो रहा है, आपको फिक्र है कि कल क्या होगा, आप चिंता मत करिए। सरकार पूरी गंभीरता से इस वक्त अगर कुछ प्रायोरिटी है तो लोगों की जान बचानी है और उसी के ऊपर काम कर रही है। एक बार इस कोरोना वायरस के ऊपर हम पूरी तरीके से नियंत्रण ले आएंगे तो उसके बाद जिस तरीके से किसानों को मदद की गई है, जिस तरीके से और लोगों को मदद करते हैं, उसी तरीके से जितने धंधे करने वाले हैं, छोटे मोटे हैं, उन लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे दिए हुए आदेश का पालन करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।